की हो सकती है जहां बात रोजगार की हो सकती है, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मुद्दा उन बातों पे हो रही है जो मुद्दे हैं ही नहीं, और उन मुद्दों पे इसलिए चर्चा हो रही है ताकि हमें मुद्दों से भटकाया जा सके। आज मुद्दा इस बात पे होता है कि किम जोंग की वाइफ इसलिए नाराज हो गई उसने सिगरेट नहीं पी। आज मुद्दा मीडिया और सरकार के सामने ये है कि जिन्ना की तस्वीर एक यूनिवर्सिटी में लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे देश के तमाम एजुकेशन, तमाम स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों को हल कर दिया गया? अगर जब तक उन मुद्दों को हल नहीं किया गया है, क्यों आप उन तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो कि ना तो किसी तरह से सिटीजंस को पर्टेन करते हैं और ना ही किसी तरह से इस देश को आगे ले जा सकते हैं? साथियों, आज इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करना और जरूरी हो गया है, क्योंकि आज इस देश के प्राइम मिनिस्टर पकौड़ा बेचने को रोजगार दे देते हैं। आप सोचिए वो कितना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता होगा उस गरीब तबके के स्टूडेंट पे जो सोचता है कि मैं पब्लिक फंडिंग यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ूंगा, जब वो ये सुनेगा कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट पर इस तरह की बात कर रहा है, इसका मतलब हमारे लिए रोजगार के दरवाजे बंद हो गए हैं। आप इस बात को सोचिए कि आखिर क्यों इस तरह के हमारे देश में माहौल बनाया जा रहा है कि इस देश के चीफ मिनिस्टर इस बात को बोलते हैं कि दूध बेच लीजिए, पान बेच लीजिए, और तमाम नौकरियों की जगह आप इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व हो जाइए। इस साजिश को समझने की जरूरत है, और ये साजिश जो सबसे बड़ा इसको लेके हमला होता है वो एडुकेशन पे ही होता है। पिछले सालों में हमने देखा कि किस तरह से, और साथियों ने भी इससे पहले बताया, एक सीरीज है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो डिसेंट आ रहा था, आज इस देश का विपक्ष जरूर आवारा हो गया था और उसको सही करने की आवाज छात्रों ने उठाई थी। आज इस देश में विपक्ष गायब हो गया था तो उसकी आवाज जेएनयू से, एचसीयू से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से छात्रों ने उठाई थी। और बात क्या थी? बात सिर्फ इतनी थी कि हम अपनी अपने उस हक की बात कर रहे हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। हम चाहते हैं कि इस देश में एक ऐसा देश बने जिसमें इस देश का दलित, जिसमें इस देश का आदिवासी, जिसमें इस देश का पिछड़ा और जिसमें इस देश का अल्पसंख्यक भी वो अधिकार ले सके जो प्रिविलेज सोसाइटी ने हमेशा उन तमाम अधिकारों से दूर रखा। आज ये सोचने की बात है कि सबसे बड़ा हमला आज एजुकेशन पे क्यों है। कमलप्रीत ने बहुत खूबसूरती से इस बात को बयान किया। आप सोचिए, आज यहाँ 7 लोगों में अगर एजुकेशन ना होती और ये संविधान ना होता, आज इन 7 लोगों में ये जो पैट्रियार्की इस देश में थी, आज 5 और यहाँ पर विमेन बैठ के अपनी बात रख पाती। अगर ये एजुकेशन ना होती और ये तमाम यूनिवर्सिटीज ना होती, और सबसे अहम बात जब यूनिवर्सिटीज की होगी तो साथियों ये समझना होगा कि सबसे जो गरीब तबका है उसके लिए पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज ही एक जरिया है। वो नहीं पढ़ सकता जहां पर इस देश के 2% समाज जो 90% रिसोर्सेस को लिए बैठा है, वहां जहां उनका बच्चा पढ़ रहा है, वहां हमारे एक गरीब परिवार और एक अल्पसंख्यक दलित से बैकग्राउंड से आने वाला स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता। उसकी आस होती है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज से, और द आइडिया ऑफ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी इज बीइंग अटैक लाइक एनीथिंग इन लास्ट 4 इयर्स। मैं इवन आफ्टर टॉक्ड अबाउट द ऑटोनॉमी, मैं ऑटोनॉमी को सोशल जस्टिस के चश्मे से देखता हूं। आप सोचिए, हमें ऑटोनॉमी दी गई किस बात की? असल में हम 3 ऑटोनॉमी मांग रहे थे। हम ऑटोनॉमी मांग रहे थे इस बात की कि आप हमें कोर्सेज खोलने की भी आजादी दीजिए, हम ऑटोनॉमी इस बात की भी मांग रहे थे कि आप लीडरशिप चुनने की हमें आजादी दीजिए ताकि जेएनयू के वीसी जैसा संघी हमारे यूनिवर्सिटीज पे काबिज ना हो, हम इस बात की भी ऑटोनॉमी मांग रहे थे। और एक और ऑटोनॉमी मांग रहे थे, हम बात कर रहे थे फाइनेंसिस की, हमारे पास बहुत ब्रिलियंट माइंड्स हैं, हम कोर्सेज तो बना लेंगे, हम पैसा उसके लिए कहां से लाएंगे? इन्होंने हमें ऑटोनॉमी कुछ किस बात की दी कि आप जो है कोर्सेज शुरू कर दीजिए और पैसा जो है अंबानी और बिरला से उठाइए। अब आप सोचिए, जब हमको एडुकेशन में पैसा अंबानी और बिरला देगा तो क्या वो हमारे सोशल साइंसेस की एडुकेशन को सपोर्ट करेगा? क्या वो सपोर्ट करेगा कि हम इन प्राइवेटाइज जो ताकतें बैठी हैं इनसे सवाल पूछ सकें? क्या कोई भी ताकत, कोई भी प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो इस बात को सपोर्ट करेंगे कि हम मनुवादी ताकतों से सवाल पूछने के लिए? आपको लगता है ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेंगे? वो हमसे मार्केट की डिमांड को कैटर करने की बात करेंगे। वो ये कहेंगे कि आइए हम आपको पैसा देंगे और आप हमारे लिए रोबोट पैदा कीजिए। ये नई शुरुआत नहीं है, इसी तरह से कुछ ब्रिटिशर्स ने भी किया था। उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह बनाया था कि जो उनका आइडिया ऑफ कॉलोनियलिज्म था वो सस्टेन हो सके। तो अभी जो है, अब आप सोचिए, जब इन तमाम चीजों की बातें होंगी तो दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जो इस देश के 85% समाज है वो कहां जाएगा? उसके लिए तो हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। साथियों, मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से आता हूं, मैं आपको बता दूं, एक पब्लिक फंडेड डीम यूनिवर्सिटी होने के बाद भी वहां एक कोर्स की फीस 8 लाख रुपए है।
मैं आपको बता दूं वहां पर एक एमए का कोर्स करने के लिए हमें 76,000 रुपए पर सेमेस्टर देना होता है, और जब हम वो नहीं देते हैं तो यहाँ मेरा एक साथी संदीप बैठा है, उसको डिग्री के नाम पे कार्डबोर्ड दिया जाता है, उसको डिग्री के नाम पे कार्डबोर्ड दिया जाता है। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल उन तमाम तबकों पर दबाव डालने के लिए है, ताकि क्योंकि हम सपना देखते हैं। मैंने भी एक सपना देखा था कि अगर मैं इस देश में बदलाव ला सकता हूँ, अगर मैं अपनी समाज में मेरे समाज को भागीदारी चाहिए, तो हमारे पास एक रास्ता, हमारे पास जमीनें नहीं है, आप जमींदार रहे हजारों सालों से, हमारे पास एक एजुकेशन ही रास्ता था। तो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज को जो बात बंद करने की शुरुआत है वो ऑटोनॉमी से हो रही है, वो तमाम फी हाइक से हो रही है, और अभी एक रोस्टर सिस्टम की बात होगी। असल में ये तमाम चीजें देखिए, इस देश में अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संविधान को बदल सके, ये बात हमें मानना पड़ेगी। लेकिन जो संविधान में प्रोविजंस बनाए गए हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रोकने की पॉलिसीज आती हैं, जैसे एक रोस्टर सिस्टम आया जिसमें डिपार्टमेंट को यूनिट करा गया। क्यों? और आप देखिए, ये बोला जाता था कि देश में नौकरियां नहीं है, जैसे ही वो रोस्टर सिस्टम लागू हुआ, बाढ़ सी आ गई नौकरियों में। डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने धड़ाधड़ निकाल दी नौकरियां। क्यों? क्योंकि जब उस रोस्टर सिस्टम से आएंगी तो दलित आदिवासी अल्पसंख्यक और पिछड़े यूनिवर्सिटीज में नहीं आ सकेंगे। इसी तरह एटोनॉमी का चश्मा है, अगर आपको दलित आदिवासी पिछड़ों को कॉलेजेस से बाहर करना है, फीस बढ़ा दीजिए, आपको रिजर्वेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 2015 में जब ओबीसी एनसी के लिए फाइनेंशियल हेल्प टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में बंद हुई, जो 27% संख्या एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए थी, वो पहुंच के 18% हो गई। तो आप सोचिए, इनको रिजर्वेशन बंद करने की जरूरत ही नहीं है, ये फीस बढ़ा देंगे खुद ब खुद। जो गरीब तबका है, जो हमेशा हमेशा से हजारों साल से एजुकेशन से दूर रहा है, वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। और अगर वो यहाँ आएगा तो ग्रिमान सबसे पहले मनुवादी ताकतों का पकड़ा जाएगा कि तुमने हमेशा हजारों साल से एजुकेशन दूर किया। कुछ बातें और हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये तमाम अटैक मुझे लगता है कि पिछले 4 सालों में नहीं हुए, कि लार्जर सिस्टम की लड़ाई थी जो पहले भी हुआ। इवन मैं मानता हूँ यूपीए 2 में भी बहुत सारे ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर्स बने जिन्होंने उछल कूद करने की जगह पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की साजिश की। और अभी एक ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जब हम पिछले 100 दिनों से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्ट्राइक कर रहे हैं, एंड जब मैं हम लोग गए, हमारा एक डेलीगेशन गया प्रकाश जावड़ेकर जी से मिलने, तो हमने उनके सामने डेटा रखा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनको डेटा और इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं, लेकिन मैंने एक कोशिश की कि सर ये देखिए, हमें 2011 में 14 करोड़ रुपीज नॉन सैलरीड मेंटेनेंस ग्रांट मिलती थी, और अब जाके 6 करोड़ 45 लाख मिल रही है, अब बताइए कैसे इंस्टीट्यूट। ही स्टार्टेड शाउटिंग ऑन मी, यू वोंट बिलीव द वे ही शाउटेड। आई थिंक एक अच्छी पोजीशन पे है, वो बात को घुमा भी सकते थे अगर उनको नहीं लेना, वो चीखने लगे कि क्या चाहते हैं, मैं यूनिवर्सिटी बंद कर दूं। मेरे मन में सवाल तो बहुत सारे हुए, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि वहां से निकला जाए, और उन्होंने हमारा मेमोरेंडम भी नहीं लिया। तो जब देश के शिक्षा मंत्री इस तरह के होंगे, और जब देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस तरह के होंगे जो हमें डिमोरलाइज करेंगे एजुकेशन को लेकर, आप तस्वुर नहीं कर सकते इस देश का एजुकेशन सिस्टम किस राह में जा रहा है। एक शिकायत मुझे और है, वो मुझे सिविल सोसाइटी से भी है, वो मुझे इस देश की मीडिया से भी है, और वो पॉलिटिशियन से भी है। असल में एजुकेशन को सेंट्रलाइज करके रख दिया है। आज ये बात तो होती है कि जेएनयू में क्या हो रहा है, आज ये बात तो होती है कि एचटीयू में क्या हो रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि तेलंगाना के ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हेलमेट लगा के टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सेंट्रलाइज करके कुछ इंस्टीट्यूशंस के मुद्दों को रख दिया है। पिछले 100 दिनों से मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं, पिछले 100 दिनों से हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं इसमें, उसको ना तो सरकार ने देखा ना मीडिया में, लेकिन उनके 1938 की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तस्वीर को लाकर उन्होंने मुद्दा बना दिया। तो मुझको लगा शायद हमने वहां पर जो तस्वीरें लगाई थी, हमारी जो प्रोटेस्टिंग साइट थी, वहां हमने अम्बेडकर पेरियार की तस्वीर लगाई थी। मैंने एक मीडिया वाले से कहा शायद मुझको भी एक जिन्ना की तस्वीर लगा देनी चाहिए, ये वही जिन्ना है जिसको मुसलमानों ने 1947 में लात मार दी, लेकिन आज मुद्दा उन्हीं चीजों को बना रहे हैं, तो एक तस्वीर हम भी लगा देते हैं ताकि मीडिया का और ताकि सरकार का ध्यान हम केंद्रित कर सकें। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन की मैं बात कर रहा था साथियों, किसको पता है कि आज एक बहुत बड़ा तबका है जो गांवों में है, उनकी हम बात करना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि आज वहां पढ़ने वाले बच्चों को बहुत बड़ा समाज ऐसा है जिनको अभी का खा गा और ABCD भी नहीं आती एक एज पे आने के बाद भी। तो हमें उनकी भी मुद्दों की बात करना होगी, क्योंकि आवाज वहीं से निकलेगी, लार्जर पार्ट सोसाइटी का वही है। अगर हम डेमोक्रेसी बचाने की बात करेंगे, डिसेंट को बचाने की बात करेंगे, तो हमें उस आखिरी तक, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही था कि उस आखिरी तबके तक हम पहुंच जाएं। आज ये डेमोक्रेसी एक कन्फाइंड कर दी गई 10% और 5% ताकतों से। तो ये सारी शिकायतें हैं, आज हमें उन तमाम चीजों की तरफ भी देखना होगा। और एक चीज और है,
अच्छा बड़ी दिलचस्प चीज है जो सरकारें करती है, क्या करती है कि डीलेजिटिमाइज करती है आइडिया ऑफ पब्लिक एजुकेशन को। कैसे डीलेजिटिमाइज करती है कि अरे सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, लाओ प्राइवेट स्कूल्स में भेजना चाहिए। जो आपने मर्जर की बात की, पीपीटी मॉडल, उसमें बात हो रही थी, तो आप देखिए कि जो अच्छे स्कूल्स गिनती होती है उसमें केंद्रीय विद्यालयों की होती है, नवोदय की होती है, वो कौन चला रहा है? वो तो गवर्नमेंट ही चलाती है। तो क्यों ना हम अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए हम प्राइवेट प्लेयर्स को हाथ में दे देते हैं। आप लाल किला नहीं चला सकते थे, आप उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकते थे, तो आप चुन के क्यों आए थे? आपने तुरंत उठा के वो क्या नाम है प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया। वो क्या करेंगे? आप देखिए ना, कुछ तो सीखिए, थोड़ा तो पढ़िए। आप देखिए ना क्या हाल हुआ वेस्टर्न कंट्रीज का प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जाके। न्यू लिबरल ने बर्बाद कर दिया सोसाइटीज को। आप एक एक सिर्फ 10% समाज को लेकर अगर डेवलप बनाना चाहते हैं, ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, तो बनाइए। और कुछ डेटा की भी बात करें, एक साथी ने मुझसे पूछा तुम लोग क्यों सरकार का विरोध करो। मैंने कहा ठीक है, देखिए बीजेपी ने वादा किया था कि हम जीडीपी का 6% हम एडुकेशन में लगाएंगे। आपने 2014-15 में 2.8% लगाया, 2015-14 में और कम के 2.4% लगाया, 16-17 में 2.6% ऑफ जीडीपी दे स्पेंड ऑन द एजुकेशन। आई जस्ट सेड दैट कि अर्लियर टू दिस गवर्नमेंट देयर वाज एक्सपेंडिचर ऑफ 3.1% ऑन एजुकेशन। मैं बोला आप 5% कर दीजिए, सबसे पहला वोट मैं आपको दूंगा, आप 5% करिए, हमारा मुद्दा एजुकेशन है अभी। इस तरह अगर हर तबका सवाल पूछे, क्योंकि काउंटर कैसे करें? आप बोलिए किसान इस बात को बोले कि हमारी एमएसपी बढ़ा दीजिए, हम आपको करेंगे। इनको उन्हीं सारी चीजों में हम फंसा के लड़ सकते हैं। और एक एक बजट और जो हिस्सा था, मोदी जी ने बहुत सारे नारे दिए हैं, ये इंडिया, वो इंडिया, वो इंडिया। उन्होंने एक और नारा दिया था कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। जो टीचर्स ट्रेनिंग पे 11,058 करोड़ रुपए खर्च होते थे इस सरकार के आने से पहले, उनको 841 करोड़ रुपए खर्च किए। तो सिर्फ बोलने से अगर बेटर इंडिया हो जाता तो मैं दिन भर सारी चीजें छोड़ के रमजानों में तुरंत तमाम चीजें छोड़ के हम यही जपते, ठीक है बेटर इंडिया, इंक्लूसिव इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया। बोलने से नहीं होगा, आप फिगर्स की बात कीजिए। आपने जरूर एक ऐसा समाज बना के रख दिया है जिनको डेटा से मतलब नहीं है, लेकिन हम इस बात को बोलते रहेंगे, हम आखिरी तबके तक जाएंगे, हम उन यूनिवर्सिटीज में भी जाएंगे जहां तक जिसकी आवाज कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाती है। और एक अगर मैं वे फॉरवर्ड की बात करूं तो एक शिकायत सारी पॉलिटिकल पार्टीज से है। आप ये देखिए कि एडुकेशन की पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, एडुकेशन की पॉलिटिकल इकोनॉमी खत्म कर दी गई, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो प्रोग्रेसिव हो। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने एक अधिवेशन सिर्फ एडुकेशन के मुद्दों पर बुलाया हो? आप बात कीजिए, सबकी बात कीजिए। आप पॉलिटिकल इकोनॉमी बढ़ाई है, हम सब लोगों को इस बात की बात करनी है कि जो एडुकेशन की बात करेगा, जो एडुकेशन को आगे लेके आएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और आज आखिरी बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि आज देखिए आरएसएस की सबसे खूबसूरती जो मुझे लगती है वो तमाम सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने वालों को एक प्लेटफॉर्म पे ला देती है। तो आज जरूरत क्या है कि जो हम कलर्स में बटे हुए हैं, खासतौर से स्टूडेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बटे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना है। देखिए छोटे छोटे मतभेद हमारे होंगे और जो लूज प्लेटफॉर्म होगा वो जल्दी टूटेगा भी नहीं। ये होती है ना, साइंस में पढ़ाते हैं, जो चीज लूज होती है वो जल्दी नहीं टूटती। तो एक लूज प्लेटफॉर्म बनाएंगे इन ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्टूडेंट्स आएंगे, और इसके बाद ताकि हम आगे लड़ाई लड़ सकें। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि ये बाजी, ये आरएसएस को बोल रहा हूं और उन तमाम ताकतों को बोल रहा हूं जो एडुकेशन से हमें दूर करना चाहते हैं, ये बाजी भूख की बाजी है, भूख आज एडुकेशन की है, ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे? अगर तुम एक रोहित और एक नजीब को मारोगे तो लाखों स्टूडेंट्स आके खड़े हो जाएंगे और हमेशा हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया इंक्लूसिव इंडिया, बहुत बहुत शुक्रिया शब्द।